जौलपुर में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से बरगी बांध का जलाशय लबालब हो गया। इसके चलते बरगी बांध के 13 गेट खोले गए, 1.65 मीटर बांध के गेट खोले गए हैं। बरगी बांध प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 13 गेटों से 3,288 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं प्रशासन ने नर्मदा तटों से लोगों को दूर रहने की अपील की। बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नर्मदा घाटी से संचालित होने वाली दुकानों को भी हटाया है। सबसे पहले तो भैया आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विगत कई वर्षों से माँ नर्मदा के चरणों में दर्शन करने आता हूँ और इस बार जिस तरीके से माँ का स्वरूप भव्य देखने मिल रहा है और जल की स्थिति नियमित बढ़ती जा रही है और जो जबलपुर के लिए पानी की आवश्यकता होनी थी वो पूरी बारिश भी हो गई है और उसी तरह से जो व्यवस्था है, बस एक प्रशासन से मेरा विशेष निवेदन है, आग्रह है, चाहे नगर निगम महापौर हो, आदरणीय यहाँ के वर्तमान विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कि इस देश में माँ नर्मदा की आस्था जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए, भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और माँ का आंचल को स्वच्छ रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कराया जाए कि जो गंदगी का वातावरण फैलता है, अव्यवस्थाएँ दुकानें हैं, आप देखिए जैसे ही जल बढ़ता है अव्यवस्थाएँ दुकानें हो जाती है, पार्किंग व्यवस्था हो जाती है। सबसे पहले तो नियमित दुकानों की व्यवस्था कराया जाए और यहाँ के लोगों को सुविधा भी दिया जाए कि उनको भी परेशानी ना हो जीवन यापन करने के लिए। मेरा बड़ा आग्रह है यश भारत की, आप मीडिया प्रभारी का, कि आपने मुझे इस योग समझा और मुझसे जानकारी ली, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मात नर्मदे हर। संटी सोनकर, जबलपुर। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।